नमस्कार, मैं आज बताने वाला हूँ क्या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है या हार्ट संबंधित क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट हाई बीपी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एक तिहाई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है। उस एक तिहाई लोग में से सिर्फ एक तिहाई लोगों को महसूस होता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है या सिम्टम्स आते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। बड़े लोग कई बार ओपीडी में आते हैं, क्लिनिक में आते हैं, सर मेरा बीपी तो 160/100 है, मैं तो यूज टू हो गया हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग बदकिस्मत हैं जिनको वार्निंग नहीं आती है, उनको फिर पहली वार्निंग ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक आएगा या सडन कार्डियक अरेस्ट आएगा। तो इसलिए अगर आपका बीपी 130/80 से ऊपर जा रहा है तो वो नापिए कितना जा रहा है और अपने डॉक्टर से तुरंत सूचित करिए। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी हार्ट की नसों में ना सिर्फ रुकावट हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट का मसल वीक हो सकता है, हार्ट के मसल की वजह से हार्ट का पंप फेलियर हो सकता है, हार्ट की वजह से इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम यानी जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट एकदम शॉर्ट सर्किट हो सकता है, धड़कन बहुत तेज हो सकती है और सडन कार्डियक इवेंट हो सकता है, और ब्रेन स्ट्रोक तो होता ही है जो हार्ट की वजह से हो सकता है, जो हाई बीपी की वजह से होता है। हाई बीपी की वजह से किडनीज को नुकसान पहुंचता है, किडनी फेलियर हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो वो अगर जिनको साइलेंट बीपी है तो एक बीपी की मशीन घर पे जरूर रखिए और बीपी वंस अ डे नापिए और नो योर ट्रिगर पॉइंट्स किस वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है और उसको कंट्रोल करिए। ट्रिगर पॉइंट कुछ भी हो सकता है, तो अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है। खाना पूरा नहीं खा रहे हैं, खाना ज्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, एंड कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ ब्लड प्रेशर मेडिसिन इज नॉट लाइफ लॉन्ग। जी हाँ, आपने सही सुना, ब्लड प्रेशर मेडिसिन आपको जिंदगी भर लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिवर्सिबल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वेट लॉस हो गया, स्ट्रेस फैक्टर्स हो गए, स्लीप हो गया, एक्टिविटी लेवल्स हो गई, डाइट हो गया, तो फिर ब्लड प्रेशर लेने की आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट, बीपी की मेडिसिन जो है सीजनल वेरिएशन होता है। सर्दी में बीपी बढ़ जाएगा तो बीपी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, गर्मी में पसीना आने लगेगा, नमक आने लगेगा तो बीपी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और ब्लड प्रेशर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।